तो जमानत देने का कारण क्या है? जो आरोपी व्यक्ति हैं, जिन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया है, जिन्होंने निर्मम हत्या की गई है, क्या उनकी उनकी जगह जेल में नहीं होनी चाहिए? अपराधियों की जगह जेल में है या बाहर? हमारे भाई की हत्या करी, हमें हिंदुओं की हत्या हो रही, पॉलिटिक्स आ रही है। सरकार हमारी बात को सुने और इस बेल को वापस ले। आज कोई हिंदू मर जाता है तो उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है, आज कोई मुसलमान मर जाए तो उस पर बवाल हो जाएगा। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दो साल पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसी के जन आक्रोश में आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और युवा वाहिनी के तमाम कार्यकर्ता बड़ी ही भीड़ में आक्रोश रैली लेकर यहां जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। क्या मांगे हैं सर, क्या कुछ लेकर आप लोग यहाँ पर एक बार फिर से रिंकू शर्मा के समर्थन में यहाँ आए? देखिए, हमारी एक ही मांग है कि रिंकू शर्मा के जो हत्यारे हैं, जिन्होंने योजना बनाकर रिंकू शर्मा की हत्या की है, उनको सरकार फांसी के तख्ते तक पहुंचाए और दिल्ली के और भारत के अंदर दोबारा ऐसे हिंदू हत्या कभी ना हो, ये हमारी मांग। अच्छा, लेकिन दो साल हो चुके हैं और जहां तक हमें पता चला है कोर्ट ने कुछ लोगों को छोड़ दिया है, बरी कर दिया है, तो क्या कारण था कि उन्हें बरी कर दिया? नहीं, बरी नहीं किया गया है, उनको जमानत मिली है। टोटल 10 लोग हैं, एक महिला है, महिला को एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है, 9 पुरुष है, 7 अभी जेल में है, 2 को जमानत मिली है। तो जमानत देने का कारण क्या है? जो आरोपी व्यक्ति हैं, जिन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया है, जिन्होंने निर्मम हत्या की गई है, क्या उनकी उनकी जगह जेल में नहीं होनी चाहिए? अगर वो बाहर आएंगे तो क्या परिवार सुरक्षित रहेगा? हमारी यही मांगे कि उनकी जगह जेल में है और जेल में रहना चाहिए। अच्छा, निर्मम हत्या करने के बाद भी उन्हें छोड़ दिया जाता है तो क्या करेंगे? ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए इस बारे में कि अपराधी अगर ऐसे ही हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो उनको 2 साल सजा होगी और 2 साल सजा काटने के बाद वो बाहर आएंगे, फिर वो दोबारा मर्डर करेंगे। तो ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए ना, अपराधियों की जगह जेल में है या बाहर, उनको जेल में ही रखा जाए, नहीं तो उनके हौसले ऐसे बुलंद होंगे और आगे भी फिर वो ऐसा कार्य करेंगे। बजरंग दल क्या चाहता है, विश्व हिंदू परिषद क्या चाहता है? विश्व हिंदू परिषद ये चाहता है कि जो हमारे भाई की हत्या करी विधर्मियों ने, उन विधर्मियों को सख्त से सख्त सजा हो, फांसी के फंदे तक वो पहुंचे, उनको बख्शा नहीं जाए। और ऐसे ही उनको 2 साल जेल उन्होंने काटी, उसके बाद उनको बेल मिल गई, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन से हमारी यही मांग है, उनको दोबारा इस पे विचार किया जाए और उनको अपराधियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये तो एक बहुत ही बड़ा है, कहते हैं हमारे हिंदुओं के ऊपर कलंक है, जिसे हम कहा गया कहते हैं। ये चीज़ तो किसी भी, अगर जब साबित हो गया कि हाँ हत्या हुई है, तब भी उनको बेल मिलना, और भी ऐसे ऐसे स्थिति में बेल मिलना जब मॉब लिंचिंग बिल्कुल एक स्तर पर आके खड़ी हो गई थी, जिस टाइम पर आकर के इतनी निर्मम हत्याएँ हो रही, इतनी निर्मम हत्या हो रही उस हमारे वहाँ पे गुजरात में, पूरे भारत में ही हो रही होंगी। ये लोग शुक्रवार को तय करते होते हैं, जिहादी मानसिकता ऐसी बढ़ती जा रही है। अगर हम लोग आज उठ करके सभी लोगों ने जवाब नहीं दिया और न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला नहीं दिया तो आगे चल के कहते हैं कि ऐसा प्रदर्शन इससे बढ़कर और इतने आक्रोश प्रदर्शन ऐसे बढ़ेंगे कि इनके लोग क्या कहते हैं, किसी की हत्या करने से पहले, एक तिनका उठाने से पहले भी अगर सोचेंगे और इनकी थर्राएं, रूह थर्राएं कांप जाएंगी इनकी सबकी। मांगे यही है कि इन सबको क्या कहते हैं, जिन जिन्होंने 10 लोगों ने हत्या के शामिल थे, इन सभी को कहते हैं उनकी बेल वापस ली जाए और वापस इनको बंद करके इनके लिए कड़े कड़े जितने दंड निर्धारित हैं, सारे दंड संविधान के अनुसार दिए जाए, नहीं तो बजरंग दल और अच्छे से आकर सभी हिंदू संगठनों से आह्वान करके कहते हैं ऐसा प्रदर्शन करेगा कि फिर दुनिया देखती रहेगी। ये बताइए, प्रशासन और न्यायालय का कितना बड़ा रोल है? प्रशासन और न्यायालय का रोल क्या, इसमें एक तरह की इसमें भी पॉलिटिक्स गुजारी जा रही है, कहते हैं इसमें हमें हिंदुओं की हत्या हो रही, पॉलिटिक्स आ रही है, और किसी और की हत्या हो रही तो पॉलिटिक्स नहीं आ रही। दिल्ली दंगे की बात ले लीजिए, वहाँ भी पॉलिटिक्स ही गई, जबकि सबको साफ निर्णय है कि कहाँ पे हो, मैं दिल्ली दंगों के क्षेत्र से हूँ, मैं उस दंगे में साक्षी हूँ, मैं उस समय पर रहा, हम लोगों के यहाँ पत्थर पड़े, सब कुछ पड़ा, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं, पकड़ा निर्दोषों को जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है। प्रशासन क्या कहते हैं, बिल्कुल एक तरफा होकर के स्वयं फैसला ले रहा है, कोई भी कहते हैं निष्पक्ष न्याय नहीं हो रही, संविधान के अनुरूप कोई कार्य नहीं हो रहा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को संविधान पर भरोसा नहीं, संविधान पर पूरा भरोसा, संविधान पर भरोसा है, इसलिए बजरंग दल ऐसे, आपने पहले प्रदर्शन देखे होंगे बाबरी मस्जिद, अब बहुत सारे ऐसे प्रदर्शन हुए, कहते हैं कि बजरंग दल संविधान भरोसा करके काम अटका है, लेकिन हम संविधान से आज भी इसीलिए शांतिपूर्वक आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं कि संविधान हमारी सुने, न्याय प्रदर्शन सुने, सरकार हमारी बात को सुने और इस बेल को वापस ले, नहीं तो हम फिर हम आक्रोश प्रदर्शन करेंगे। कहते हैं को तो जमानत नहीं मिलनी चाहिए, ये तो सरकार की कमी है, या
कोर्ट की कमी है। एक हत्यारे को जमानत किस बेस पे देते हैं आप? सबूत हो चुका है कि ये हत्यारा है, फिर भी आप लोग जमानत दे रहे हैं, ये क्या मतलब है? आज कोई हिंदू मर जाता है तो उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है, आज कोई मुसलमान मर जाए तो उस पर बवाल हो जाएगा, पूरी दिल्ली बंद हो जाएगा। चलिए, तो रिंकू शर्मा हत्याकांड को लेकर VHP और बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जन आक्रोश निकाल रहे थे, क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुनिए, वीडियो में फैला लेते हैं, हाजिर होंगे एक नए मुद्दे एक नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, क्या पसंद है निकेत मिश्रा के साथ, चलिए दिल्ली सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।